मॉर्निंग क्लास, पिछले क्लास में मैंने आपको रेड एंड येलो ट्वेल्थ तक पढ़ाया था. नाउ टुडे आई स्टार्ट द चैप्टर, टुडे आई स्टार्ट द टॉपिक डेजर्ट ऑफ एरेट. आज मैं आपको डेजर्ट ऑफ एरेट ट्वेल्थ पढ़ाऊंगी, बीच में छूट गया था आपका. सो वी स्टार्ट हियर. डेजर्ट सॉइल. डेजर्ट सॉइल कवर्स अबाउट 4% ऑफ इंडिया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया. अगर भारत का ज्योग्राफिकल एरिया देखें, 4% हिस्से पर डेजर्ट सॉइल पाई जाती है. ज़्यादातर ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है. ठीक है, रेतीली भूमि, रेतीली होते हैं इसका, रेतीली होता है इसका फीचर. कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड इन दिस सॉइल ड्यू टू एवेपोरेशन ऑफ वाटर. तो कॉमन सॉल्ट हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, एवेपोरेशन की वजह से ये वहाँ पे कॉमन सॉल्ट भी पाया जाता है. क्योंकि डेजर्ट जो सॉइल होती है वो ज़्यादातर रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ पानी की कमी होती है. थोड़ा बहुत जो पानी में जो होता है वो भी एवेपोरेट हो जाता है, इसलिए वहाँ पे कॉमन सॉल्ट पाया जाता है. डेजर्ट और एरिड सॉइल फीचर्स क्या हैं? डेजर्ट सॉइल इज सैंडी इन टेक्सचर. कैसी होती है? रेतीली होती है. मैंने आपको पहले बताया इसका टेक्सचर कैसा होता है, रेतीली होती है. ठीक है, रेड टू ब्राउन इन कलर एंड सैलिन इन नेचर. मतलब नमकीन टेस्ट का होता होगा इस मिट्टी का. ठीक है, और रेड और ब्राउन कलर में पाई जाती है बिकॉज ऑफ एवेपोरेशन ऑफ वाटर. इट लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर एंड फास्टर रेट ऑफ एवेपोरेशन. बहुत अधिक मात्रा में पानी इसलिए कहा होता है, ज़्यादा इतनी ह्यूमस नहीं पाया जाता क्योंकि अत्यधिक गर्मी के कारण एवेपोरेट हो जाता है मिट्टी का पानी. ठीक है, मॉइस्चर बिल्कुल मिट्टी में पेड़ पौधे भी नहीं, कुछ कटीले वृक्ष या पेड़ पौधे ही मिट्टी में उग पाते हैं. इट कैन बी यूजफुल फॉर कल्टिवेशन ओनली विद सुटेबल इरीगेशन मेथड और केस ऑफ गंगानगर डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न राजस्थान. ठीक है, इसमें अगर आपको खेती बाड़ी करनी है इस मिट्टी से तो आप प्रॉपर इरीगेशन मेथड अपनाएं तो ही फेवर कोई प्रोडक्शन हो पाएगा. दिस वेल इज फाउंड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान. ज़्यादातर यहाँ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में पाई जाती है, नॉर्थन गुजरात, साउथर्न पार्ट ऑफ द हरियाणा ऑल्सो. फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल. इट कवर्स अबाउट 8% ऑफ इंडियन टोटल ज्योग्राफिकल एरिया. ठीक है, ये टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की अगर बात की जाए तो डेजर्ट और 4% होगा, तो ये कितने पे हो जाएगा, 8% पे कवर करता है. ठीक है, सब फीचर ऑफ फॉरेस्ट माउंटेन वेल आर गिवन बिलो इन योर बुक. फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट वेरियस इन टेक्सचर फ्रॉम लूमी एंड सिल्टीन वैली साइड ऑफ कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप्स. ये ज़्यादातर फॉरेस्ट और माउंटेन की जो भी प्लेसेस होती है वहीं पर पाई जाती है. ठीक है, लोमी और सिल्टी क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है पर्वतीय क्षेत्रों में नदियाँ बहती हैं, कीचड़दार लेकर आती है, इसलिए सिल्टी पाई जाती है. ड्यू टू लैक ऑफ फॉरेस्ट कवर इन द स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालय, सॉइल एसिड विद लो ह्यूमस कंटेंट्स. ठीक है, लगातार वहाँ वर्षा होती रहती है फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स में, तो लो एसिडिक होती है. ठीक है, नेक्स्ट है दिस इज सॉइल यूज फॉर कल्टिवेशन स्पाइसेस. इस तरह की जो भी मिट्टी होती है इसमें मसालों का प्रोडक्शन होता है, जैसे और भी बहुत सारे स्पेशलिस्ट का भी होता है, जैसे स्पाइसेस यानी मसाले हो गए, टी कॉफी हो गया, ट्रॉपिकल फ्रूट्स क्या होते हैं, जो इस रीजन या क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिनका प्रोडक्शन आसानी से हो जा सकता है. इट इज़ फाउंड लोअर पार्ट ऑफ द वैली, पर्टिकुलरली रिवर ट्रैसेस इन द हाइली रीजन्स. जहाँ वहाँ पाए जाती हैं ये, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट आपको इसमें टॉपिक दिया हुआ है फॉरेस्ट एंड माउंटेन लाइफ. वी आर डिस्कस, चलिए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं. लैटराइट सॉइल के बारे में बात की जाए तो लैटराइट सॉइल क्या होती है, उपजाऊ होती है. ऑलिव ऑयल सॉइल के बारे में बात की जाए, हिमालय, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी का उत्तर में कीचड़गार से लेकर आती है. हरिव सॉइल की बात की जाए तो ऑलिव ऑयल से गंगा की नदियाँ भी पाई जाती है. ब्लैक सॉइल जो होती है वो क्या होती है, कॉटन की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. रेड एंड येलो येलो सॉइल, इसमें अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है. डेजर्ट सॉइल की बात की जाए तो डेजर्ट सॉइल में कम मॉइस्चर पाया जाता है, एरिड रीजन या रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है. फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल्स की बात की जाए तो अधिक मात्रा में सॉइल होता है, लो ऑफ मॉइस्चर और होता है. ठीक है,
नेक्स्ट आपकी बात की जाए, वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन क्या होता है? या मृदा का क्षरण किसे कहते हैं, या मिट्टी का कटाव जो होता है। सॉइल इरोजन क्या होता है? ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, कुछ प्राकृतिक कारणों से और कुछ मानवीय कारण से, जो मृदा की ऊपरी लेयर होती है टॉप ऑफ द सॉइल, जब वो किसी प्राकृतिक या मानवीय कारण से वहाँ से हट जाती है, तब क्या होता है, मृदा का क्षरण होने लगता है। उसे क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन। क्योंकि जो मिट्टी की ऊपरी लेयर होती है वही उपजाऊ होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अचानक बाढ़ आ जाए, बहुत जोरों से किसी स्थान पर लगातार वर्षा हो जाए, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि मिट्टी की जो ऊपरी लेयर होती है वो उड़कर हवा से उड़कर पानी की धारा बहकर कहीं चली जाती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, जिसे मृदा क्षरण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया हुआ है नेचुरल कॉजेस क्या है। तो नेचुरल कॉजेस क्या है विंड सॉइल इरोजन के? पहला है विंड इरोजन। विंड इरोजन क्या है कि हवा चली और मिट्टी क्या हो गई, बह गई एक स्थान से दूसरे स्थान। दूसरा दिया है आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इंटू स्ट्रिप, तो बड़ी सी भूमि होती है उसे स्ट्रिप यानी पट्टियों को डिवाइड कर देते हैं, और ग्रास और लेफ्ट टू ग्रास बिटवीन द क्रॉप, तो दो क्रॉप्स के बीच में जगह छूटती है, जिसकी वजह से भी क्या हो जाता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग इसे ही कहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। फिर आपको दिया हुआ है शेल्टर बेड्स दिए हुए हैं। तो शेल्टर बेड्स क्या होते हैं कि भाई चरागाह वगैरह जो होते हैं जहाँ पे जीव जंतु चढ़ते हैं, वो चढ़ते चढ़ते क्या होता है कि जड़ भी उखाड़ कर मिट्टी, वो पेड़ जो छोटे छोटे पौधे वो चढ़ते हैं उनके साथ मिट्टी भी उखाड़ के चली जाती है, तब वहाँ पर लेयर भी गायब हो जाती। तो शेल्टर बेड्स की वजह से भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट आपका दिया है वाटर इरोजन। आई ऑलरेडी टॉक अबाउट द वाटर इरोजन। वाटर इरोजन क्या है कि पानी के तेज बहाव से, ठीक है, पानी की तेज बहाव से कप ऑफ द सॉइल क्या हो गई, रिमूव हो गई वहां से, क्रिएट द सॉइल इरोजन। और ह्यूमन काउजेस देख लीजिए, तो ह्यूमन काउजेस क्या है, पहला है कंट्रोल प्लगिंग एंड टेरेस फार्मिंग इन हिली एरिया। हिली एरिया में जो कंट्रोल प्लगिंग एंड टेरेस फार्मिंग हम लोग करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं, मैंने आपको बताया हम लोगों के बीच में स्ट्रिप क्रॉपिंग गैप हो जाता है। फिर आपका है रिस्ट्रिक्शन एनिमल ग्रेजिंग, रिस्ट्रिक्शन फॉर्म एनिमल ग्रेजिंग, अगर ये चरागाह पर चढ़ लेते हैं मिट्टी की ऊपरी लेयर वहाँ से खिसक जाती है या रिमूव हो जाती है, ये भी एक कारण है। दूसरा अपॉरेस्टेशन है, लगातार जंगलों को काटना भी सॉइल इरोजन का ही कारण है। कंस्ट्रक्टिंग सूटेबल डैम्स, कभी कभी हम डैम्स वगैरह बनाते हैं जिसके लिए भी हम क्या करते हैं, वहाँ पर लगे हुए पेड़ पौधे बहुत सारे चीज़ों को वहाँ से हटा देते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है, वहाँ पर मिट्टी की ऊपरी लेयर समाप्त हो गई, जो मिट्टी की, ये सब कारण